क्या हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को दी जाएगी? क्या सरकार आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है? क्या कांग्रेस सभी हिंदुओं की संपत्ति छीन लेना चाहती है? मोदी ने क्यों लगाए इतने गंभीर आरोप? की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। देश में लोकसभा चुनाव का बुखार ऐसा चढ़ा कि देश के राजनीतिक हालात कब कैसे बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री आजकल राहुल गांधी के 6 अप्रैल के बयान के साथ मनमोहन सिंह के 2006 के एक बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हैदराबाद में 6 अप्रैल को कहा था कि जितनी आबादी उतना हक। राहुल का कहना था कि अगर उनकी पार्टी जीतकर सत्ता में आती है तो देश में जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी करवाया जाएगा, ताकि पता लगाया जा सके कि किसके पास कितना पैसा पहुंच रहा है, किसके पास कितना पैसा है। और अब इसी बयान के बाद मोदी का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो सभी हिंदू माताओं बहनों के सोने चांदी का हिसाब करेंगे, फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उसे बांटने के बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी ने कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि वो संपत्ति जुटाकर जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। क्या आपको ये मंजूर है? आपकी संपत्ति सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपकी मेहनत से कमाई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी के इस बयान के बाद राहुल गांधी भी मोदी पर हमलावर नजर आए। राहुल ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद मोदी को निराशा हाथ लगी, मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि वो घबरा कर जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोदी ने आखिर ऐसा कहा क्यों? क्या सरकार वाकई में आपकी संपत्ति को ले सकती है? क्या उसे दूसरे लोगों में बांटा जा सकता है? तो चलिए समझते हैं कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। तो आपको बता दूं कि पहले हमारे पास 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और इसका निपटारा करने के अधिकार की पूरी गारंटी दी जाती थी। लेकिन 1979 में संविधान में संशोधन करके संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया। इस संशोधन के बाद मूल अधिकार को विधिक अधिकार में बदल दिया गया। मौजूदा वक्त में संपत्ति का अधिकार पूर्ण नहीं है और अब सरकार उसे नियंत्रित कर सकती है। इस संशोधन के मुताबिक निजी संपत्ति का होना एक मौलिक अधिकार है, इसे कानूनी प्रक्रियाओं और जरूरतों का पालन किए बिना नहीं लिया जा सकता। लेकिन प्रक्रियाओं का पालन करके सरकार इन्हें ले सकती है। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि सरकार आपकी जमीनें ले सकती है, वो कहा तो सही है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होगा। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ सोच कर ये बात बोली है वो तो खुद प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। हाँ, साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो संविधान में बदलाव कर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस बात को और गहराई से समझने के लिए संत विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन चलाया था उसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि संपत्ति के असमान वितरण को देखते हुए आजादी के बाद संत विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसे कामयाब बनाया जाए। 1956 तक इस आंदोलन के तहत दान में 40 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन मिली, मगर बाद में ये आंदोलन कमजोर पड़ गया। हालांकि ऐसा ही एक आंदोलन महात्मा गांधी ने भी चलाया था, लेकिन ये आंदोलन ज्यादा नहीं चल सके। तो क्या मौजूदा कांग्रेस भी ऐसा कुछ करने की सोच रही है और उसे इसके लिए जाति के साथ आर्थिक सर्वे भी वो करवाना चाहती है? लेकिन मोदी ने जो कहा वो कांग्रेस आर्थिक सर्वे क्यों करवाना चाहती है, उसका सटीक जवाब तो ये दोनों ही दे सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वे करवाकर हिंदुओं से उनकी जो संपत्ति है वो
छीन कर या बराबरी की बात कहकर वो मुसलमानों को या फिर अल्पसंख्यकों को दी जा सकती है, क्योंकि देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां हिंदू मंदिरों से में जो चंदा चढ़ता है उसका 330 करोड़ रुपए दे दिया जाता है राहत के लिए माइनॉरिटी को, खासकर मुसलमानों को। तो जो मोदी ने कहा है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है